देख रहे हैं YMS न्यूज़ 24। मैं काजल यादव, आइए देखते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने 1 अक्टूबर को तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। कन्नौज कलेक्टर में नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई व ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नीलू यादव ब्लॉक प्रमुख, सदर मुन्ना दरोगा, जिला अध्यक्ष संजय दुबे, अनिल दोहरे, विधायक संजय कटियार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। YMS न्यूज़ 24 से अरविंद यादव की रिपोर्ट। पहली गुंडी सरकार के खिलाफ नौजवानों किसानों की आवाज उठाने के लिए आज धरना दे रहे हैं। आज आप जानते हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति है। आज नौजवान किस तरीके से भटक रहा है। स्वतंत्र भारत में 70 वर्ष बीत जाने के बाद आज हमारा नौजवान दर दर भटक रहा है और आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। जिन लोगों नौकरियां है नहीं, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, सरकार एक बात मुझे बताए, आप लोग भी पूछिए। सरकार नौकरियां बेच रही है, सरकार अक्षम है सरकार चलाने के लिए, या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त है। निजी कंपनियों को सरकारी नौकरियां क्यों दी जा रही हैं, क्यों विभाग बेचे जा रहे हैं। किसानों की ये स्थिति क्या है, ये आपसे छिपी नहीं है। दुर्भाग्य है जो हमारा आजाद हिंदुस्तान के प्रधान देश था, प्रधानता का मतलब होता है पहले उसकी बात सुनी जाए। तहसील स्तर पर जुल्म और जायती बहरी गुंडी सरकार के खिलाफ नौजवानों किसानों की जो स्थिति है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली भारी दाम बढ़ाया गया है, पेट्रोल 1100 की मांग हमें सौंपना है और अन्याय के खिलाफ आज हमारा ये सांकेतिक धरना था। जिस दिन हमारे जो लोकल इशू है, लोकल में प्रधानों को और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, अगर हमारे दिशा निर्देश हमारे नेता ने दे दिया, सड़कों पर उतर कर हम आंदोलन करेंगे। आज तो मात्र सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से धरना दे रहे हैं, लेकिन हम लोहिया जी के अनुयायी हैं। लोहिया जी कहाँ करते थे, जब व्यवस्थाएं ठीक न चले तो आप व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दो, निश्चित रूप से नई व्यवस्था कुछ बन जाएगी। हम लोग वो लोग हैं, अधिकार मिलते नहीं तो छीन लिए जाते हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता रहा तो एक दिन वो आएगा जब हम अधिकार छीनने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अगर आप न मानेंगे तो आप क्या करेंगे? ना माने तो आप पुराना इतिहास समाजवादियों को उठा देख लीजिए। हमें लाठी चलाने और लाठी खाने में कोई गुरेज नहीं है। हम कभी मुकदमों के लिए नहीं डरते हैं, हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं। नौजवानों किसानों को हक दिला के रहेंगे, चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे अपनी जान देनी पड़े। हाँ, ये यादव।